शुरू करते हैं, फार्म का ओवरव्यू भी देता हूँ। पहले जो है वो सबसे पहले हम भाई से बात करेंगे, आसिफ भाई से। आसिफ भाई, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप जबरदस्त, माशाल्लाह यार। पहले तो आपने बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ, मुझे पर्सनली आके बहुत खुशी हुई है ये देख के। मैं चाहूँगा मेरा फार्म भी ऐसा हो। कोशिश की है, इसे इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक बरकत डालेगा इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि आपका फार्म है किधर, जगह बताएं। ये जगह है मखदूम रशीद, उसके साथ नवाई इलाका है बस्ती घड़ियाला। बस्ती घड़ियाला 1 किलोमीटर मखदूम रशीद, विहाड़ी रोड है। ठीक है, अगर किसी ने कोई आना हो तो भाई ये एड्रेस है, समझ लें। नंबर मैं आपको दे दूंगा भाई का, किसी को भी विजिट करना हो तो पर्सनली विजिट करके आप जो है वो तो देख सकते हो। दूसरी बात कि आपके पास जानवर माशाल्लाह टोटल मेरे ख्याल में 35 है, तो ये प्राइस रेंज क्या है आपके पास? हमारे पास मुख्तलिफ रेंज है, इसमें क्वालिटी के हिसाब से जो है रेट्स डिफर करेंगे, लेकिन 3 से 4 रेंज है। मतलब 3 लाख से स्टार्ट होके और 4 तक जा रही है, 4 साढ़े 4 तक भी जा रही है, 4.5 तक भी जो बाहर खड़े हैं वो प्लस वाली रेंज है, प्लस वाली उससे जो अंदर खड़े हैं उसकी रेंज बता रहा हूँ। अच्छा, बाहर अभी मैं ट्रिकमेंट सब सिंगल जानवर देखना शुरू करता हूँ तकरीबन आपसे। सब जानवरों को तो पॉसिबल नहीं है पूछना, तो कुछ रेट पूछूंगा, दांत वगैरह भी भाई से पूछ लूंगा ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा। कोई चार दांत नहीं है? नहीं, चार दांत वाला बिल्कुल, कोई खीरा नहीं है बिल्कुल जी नहीं। अच्छा, ये कहानी तो यहीं पे खत्म होगी कि दांतों की कहानी। सब भी 2 दांत है भाई। ये चेक करें जानवर माशाल्लाह, इसकी क्या प्राइस रेंज होगी? इसकी 3.5 लाख रुपए इसकी डिमांड कर रहे हैं हम, और प्राइस दांतों में 2 ही है, दांतों में 2 है। और इसी तरह ये चीना भी माशाल्लाह भरे हुए जानवर है, जानवर अच्छे हैं। पर्सनली विजिट करना चाहते हैं तो भाई नंबर मैं आपको अभी भाई का दे दूंगा, आप विजिट कर सकते हैं और जानवर देख सकते हैं। इसका बताएगा सर आसिफ भाई, इसको ज़रा इधर करवाना घुमाना। प्राइस है 375। इसकी ज़रा फेस भी दिखा दूँ, ये भी 2 दांत ही है। चोलिस्तानी साहिवाल, ये वाले माल यहाँ पर अच्छा है। अगर जो शौकीन हैं इन चीज़ों के वो आप आएँ और देखें, विज़िट करें, आप ले सकते हैं। और इसकी बताएं? इसकी 4 4 लाख है इसकी। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये भी बताएंगे कि इनका वेट आईडी आपको है, ताकि वेट वेट का भी लोगों को पता चल जाए। वेट आपके सामने है, आप देख लें इसको। वेट तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे तो तकरीबन ये 12 से प्लस है सर, 12 मंथ से सारे लाइव प्लस हैं, मतलब 6 साढ़े 6 मंथ 7 महीने के करीब मीट इनके अंदर है ही है। मीट जी 7 प्लस ही है मीट। ठीक हो गया, तो सारे बछड़ों का तो मैं रेट रैंडमली नहीं पूछ सकता, क्योंकि काफ़ी सारे जानवर जो मुझे अच्छे लगते जाएंगे वो इंशाल्लाह उनके रेट मैं पूछता जाता हूँ। प्राइस रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पर ख़त्म हो रही है, वो मैं आप लोगों को बता दिया जी, वो मैंने आपको बता दिया। ये भी माशाल्लाह, ये भी 4 लाख रुपये का, ये देखें इसके अभी 2 दांत हुए हैं कि जो अभी मैं आपको दिखा चुका, ये भाई बता रहे हैं इसके अभी 2 दांत हुए। 2 दांत के जानवर हैं सारे, 4 दांत और 3रा दांत भी मेरे ख्याल में कोई नहीं है यहाँ पर। नाव झालर बछड़ों की नस्ल आप खुद देख सकते हैं, मैं आपको एक एक जानवर इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि किसी को भी लेना हो, कोई भी जानवर पसंद आता है तो आप इनसे बात करके आप लड़ाई होगी। वो भी एक आ गया। अच्छा, मुझे पर्सनली जो है ना आपका ये जानवर बहुत अच्छा लगा, प्रिंट वाइज ये भी फुल रेंज, ये 425 का है और ये भी 2 दांत है, 2 दांत माशाल्लाह, तो स्टोरी खत्म समझो माशाल्लाह। ये देखें ना, प्रिंट बहुत अच्छा है, कोट सिक्का इसमें नहीं है, इसकी जो वाइट बॉडी है इसको ज़रा घुमा इधर करना, घुमाना
ये क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो माशाल्लाह भाई ज़रूर बोला करें जिसके भी जानवर हैं और कुर्बानी वाले जो भी मामलात हैं। बाकी मैं दिखाता जा रहा हूँ आपको, ये चेक करें। अच्छा इसमें सर कमी पेशी कितनी होगी, डिमांड जैसे आप बता रहे हैं इनमें कितनी कमी पेशी आप कर देंगे? ज़्यादा रेट का फ़र्क नहीं होगा, थोड़ा बहुत जो होगा थोड़ा वो आप जो होगा, हम मौके पे कर लेंगे। अगर कोई आपको कहता है वीडियो सेंड करना तो वो फिर आप खुद ही कर देंगे इंशाल्लाह। ये चेक करें, जानवर सारे ही मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्वालिटी वाले, चोलिस्तानी और सहवाल ब्रीड में। ये देखें पांडा फेस में, इसके क्या प्राइस हैं सर? इसकी 325। ये भी दो दांत ही है, तकरीबन 6 महीने प्लस बीट में है ये भी माशाल्लाह 325। तो प्राइस रेंज आपके सामने है, जानवर आपके सामने है। मैं कहूँगा बल्कि आप पर्सनली विज़िट करें, आप इधर आकर जानवर देखें फिर ही अपना डिसीजन लें, क्योंकि जानवर लाइव देखने में 100% कुछ और चीज़ होती है और वीडियो में पास टाइम कुछ और चीज़ नज़र आ रही होती है। इसका फेस थोड़ा सा छोटा, इसके बताएं सर? इसका 3.5 क्रॉस वाले का, ये 3.5 लाख हाँ जी, 3.5 मेल का बच्चा ये क्रॉस में, माशाल्लाह कद अच्छा है इसका। इधर का ना ज़रा घुमाना है सर, इसकी ज़रा पुट्ठे भी देख लें हम ताकि आइडिया हो जाए। ये देखिए हाँ, मेल का बच्चा है ना। और इसकी क्या प्राइस है सर? इसकी 320। ये रेट्स आपको जो बता रहे हैं इनमें कमी बेशी निगोशिएबल है, लेकिन बहुत स्लाइटली सा, ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो भी आपको समझ आए आप पिक्चर्स वगैरह इन्हें सेंड करके आप रेट मालूम कर सकते हैं और जो भी आपको समझ आए आप अपनी ऑफ़र दे सकते हैं। तो कुछ जानवर बाहर खड़े हैं वो इंशाल्लाह अभी मैं आपको तो दिखाता हूँ, लेकिन पहले मैं ज़रा इधर ही जा रहा हूँ। ये देखें ना, ये इनका तोड़ी वाला सिस्टम है, यहाँ से ये तोड़ी वोड़ी डालते हैं, अपनी खुराक डालते हैं। तो ओवरऑल हवा का निज़ाम काफ़ी अच्छा लगा मुझे, पर्सनली फार्म बहुत अच्छा लगा। इसका बताएं सर, ये कहाँ से शौक चढ़ गया आपको? ये हमने रेडी कर लिए चारा वगैरह। ये आपका कुर्बानी वाला नहीं है? नहीं, कुर्बानी में बेच दोगे? हाँ जी बेच दोगे। तो इसकी क्या प्राइस रेंज होगी? इसकी 3.5। इसकी 3.5 लाख। और ये अभी रेडी पे लगा हुआ है? हाँ जी ज़बरदस्त। ये जी रेडी वाला बैल है, बल्कि काफ़ी लोग ऐसे ही यूज़ करते हैं गाँव में घास वगैरह काटने के लिए। इसमें ये इसके ऊपर जितना मर्जी चारा आप खेच लाता है, कोई टेंशन नहीं, खेच लाता है। इसमें चर्बी का नामो निशान भी नहीं होगा, ये सिर्फ गोश्त खड़ा हुआ है इस टाइम। तो भाई किसको किसी की ये शौकीन हो दाजली, तो यहाँ पर एक जानवर है दाजली, वो भी आप देख सकते हो। अच्छा इसके सींग नहीं बनवाई या खुद छोड़ा हुआ इसको? इसके सींग बनवाए नहीं है, खुद छोड़ा हुआ। इसके दांत तो हैं, अच्छा इसके 6 दांत हैं। और इसकी क्या प्राइस रेंज है? इसकी 3.5। इसको इधर करें ज़रा, इसके दांतों में ये 6, एक जानवर है जो दांतों में 6 है, उस तरफ 2.5 मैंने आपको पहले दिखाया, और इस तरफ ज़्यादा हैं ये कम हैं? इस तरफ ये 6 वाला यही है बस, बाकी कुछ कम है, कुछ तो किए हैं जैसे अब ये नज़र आ रहा है, ये तो इस साल नहीं लगेगा, इस साल नहीं लगेगा है ना, ये भी नहीं लगेगा, ये भी ये फॉर सेल है, ये भी नहीं सेल नहीं, ये वाले कौन से फॉर सेल नहीं है? ये वाले तीनों फॉर सेल नहीं है, ये वाला फॉर सेल है। अच्छा ख्याल करो तो बताओ चा, वासी बताओ चा, बछड़े ने उधर, चलो खैर। तो ये वाला फॉर सेल है, इसकी क्या प्राइस रेंज है सर? इसकी प्राइस 3.5। दांतों में 2 है ये? 2। चेक करो इसके सींग बनाए हैं, लेकिन सही हो जाएगा ईद तक इंशाल्लाह। और ये बछड़ा इधर भाग कर आ गया है, डर गया है, नए बंदों को देख के डर गए। खैर इसका शूट हो रहा था उधर, साउथ शूट कर रहा था तो ये इधर आ गया। अच्छा ये वाले 3 जो हैं शौक आप करें दिखा ज़रूर आऊँ, लेकिन ये वाले 3, ये 1, ये 2 और ये 3, ये 4 सेल नहीं है फ़िलहाल। ये देख लें माशाल्लाह बच्चे अच्छे हैं तीनों ही, ये तो वो बहुत अच्छे हैं। ये अगले साल अगर ओपन करेंगे तो इंशाल्लाह अगले साल ये फोर्स करेंगे, अभी फ़िलहाल बच्चे हैं, अब 2 दांत जाएंगे भी नहीं।
एक ये है फॉर सेल नहीं है, बाकी ये वाले फॉर सेल हैं यहाँ से दोबारा यहाँ से। अच्छा ये कम रेंज वाले 250 वाले। अच्छा ये जो है वो प्राइस रेंज कम है, इनकी प्राइस रेंज क्या है? 250 रेंज है इनकी। ठीक है जी, और ये भी दो दांत ही हैं? हाँ जी दो दांत, सब भी दो दांत हैं। दो दांत ये देख लें, 250 कम ही कम भी होंगे ज़्यादा भी होंगे कोई, तो स्क्रीनशॉट लेकर आप इन्हें सेंड कर दें, आप उनको बता दें, वह आपको बता देंगे कि भाई ये वाला बछड़ा था जो हमें चाहिए। इसकी क्या प्राइस रेंज है? 250 वाले ये सारे, और एक ही रेट रखा हुआ आपने? अच्छा ये ये बछड़ियाँ भी फोर सेल हैं कि नहीं? नहीं बछड़ियाँ नहीं हैं, ये तीन हैं। यहाँ तक फोर सेल हैं इन दोनों की? इन तीनों की 270 है। इससे 250 वो जो चार पांच बछड़े खड़े हैं वो 250, मतलब यहाँ से इस लाल से लेके वहाँ जब वो पहला बछड़ा स्टार्ट हो वो 250, ये वाले जो तीन हैं इनकी 270 प्राइस रेंज स्टार्ट है। ये वाला ठीक है, और एक ये है और एक ये अपने घर के लिए रखी हुई हैं बछड़ियाँ? हाँ जी ये घर की हैं, ये इनके शौक की हैं, ये फॉर सेल नहीं है भाई, तो कोई इनको मांगे ना, पहले बता रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या ये पाल रहे हैं माशाल्लाह। तो फार्म का सेटअप आपके सामने है, अच्छा लगा मुझे तो, बछड़े भी मैं आपको एक दफ़ा दोबारा घूम के दिखा देता हूँ ताकि आपको जो भी चीज़ समझ आए आप इनसे रब्ता कर लीजिएगा। सर आप ज़रा सामने आके नंबर बताएं ना पहले तो, और एक दफ़ा एड्रेस भी दोबारा बताएं। एड्रेस सर है मखदूम रशीद, मुल्तान से बिहाड़ी रोड पे आए तो मखदूम रशीद है, मखदूम रशीद आगे किसी से पूछ लें, बस्ती गड़ियाला जाना। बस्ती गड़ियाला ये आप बस्ती का नाम आप सुन लें अच्छी तरीके से, किसी को विजिट करना हो तो कर लें। नंबर आप दे दो, नंबर आप लिख लें 0300 8168 9833। ये किसका नंबर है आपका? तो ये मामू का नंबर है मेरे को। अच्छा, वही डील करते हैं इनको ना। अच्छा ये इनको डील सेल परचेज को वही डील करेंगे। ठीक है, ये इनके मामू का नंबर, नाम क्या इनका? इनका नाम है हाजी फकीर मोहम्मद। हाजी फकीर मोहम्मद जिनका नंबर मैंने दिया है ये उनका नाम है हाजी फकीर मोहम्मद। तो एड्रेस भी मैंने तकरीबन आपको बता दिया है, अभी कुछ बछड़े बाहर की तरफ खड़े हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और उसकी प्राइस रेंज भी आप लोगों को बता ही देता हूँ। ये बछड़े ये बाबा जी नए बंदों को देख के ना ये टकरे शकरे मार सकते हैं। तो ये कुछ बछड़े थे 30 मेरे ख्याल में 31 के राउंड अबाउट ये वाले बच्चे हैं, बाकी ये खड़े हैं बाहर, और इनके भी मैं प्राइस रेंज पूछ लेता हूँ। ये तकरीबन चार बछड़े खड़े हैं, 31 इधर होंगे तो चार ये हैं, ये देखें अभी यही आया हुआ था उधर, यही डर के आया हुआ था। अच्छा इसकी क्या प्राइस रेंज है? ये दोनों 350 के, ये वाले दोनों, ये इस कुरली पे जो खड़े हैं और वो वाले उनकी फोर और ये दांतों में, ये भी दो हैं दांतों में, दो चेक करो, दो बछड़े इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं। 350 इसकी प्राइस रेंज है, तकरीबन 6.5 मन के करीब इनका मीट वेट तकरीबन इनका यही है 5 मन 5.5 मन 6 मन के करीब है, और जानवर आपके सामने, जिसको भी लेने हो भाई बार बार एक ही बात करूँ, जिसको समझ आए जो चीज़ आए पर्सनली विजिट करें या इनसे रब्ता कर लें, जो भी आपको चाहिए होगा मिल जाएगा। और ये जो खड़े हैं दो, ये इनकी प्राइस रेंज है जी 450 बकौल इनके, एक ये है और एक ये। इसमें थोड़ा सा कोड सिक्का है लेकिन प्रिंट वाइज देखा जाए तो अच्छा है, जो होनेस्ट रिव्यू है वो मैं ज़रूर आप लोगों को दूंगा, आपको नज़र भी आ रहा होगा थोड़ा बहुत कोड सिक्का, लेकिन मैटर नहीं करता, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कुर्बानी की चीज़ों पे, शौक की बात होती है यार अल्लाह की राह में जाने हैं तो कोड सिक्का भी अगर बॉडी में है तो अल्लाह की तरफ से ही है, तो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन कुछ लोग हैं जो इन पर कहते हैं यार ये ना हो खूबसूरत ज़्यादा हो, तो अपनी अपनी पसंद अपनी अपनी प्राइस रेंज की बात है, तो जो बात है वो मैंने आपको बता दी, बाकी एक राउंड में एक दफ़ा फिर
जो है वो मैं इधर से आप लोगों को दे देता हूँ, ताकि सुकून सुकून से आगे बछड़े आपको अच्छे से अच्छे नज़र आ सके। कोई 35 के करीब करीब इनके पास एनिमल हैं, 35 के करीब करीब। कुछ जानवर साफ खड़े हैं, कुछ अभी, जैसे पता है कितने जानवर हों तो बार बार साफ़ करना पॉसिबल नहीं होता, मुश्किल होता है। तो ये जानवर कुछ गंदे हैं, लेकिन जानवर भरे हुए हैं, 5.5 मन 5 मन 6 मन इस रेंज में, इस वेट रेंज में हैं। और 2 दांत हैं, एक जानवर जो है वो 6 दांत दिखाया था इन्होंने और ख़ुद बता भी दिया था। तो ये आप देख लो, मुझे जो इनका पर्सनली जानवर अच्छा लगा है वो ये लगा, मुझे जो अच्छा लगा जिसको देख के मैं खुश हुआ वो ये है। प्रिंट वाइज मुझे ऐसी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं यार, बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये है पहला जानवर, इनका पहला जानवर माशाल्लाह, नाव जानवर के हिसाब से गोल मटोल अच्छा जानवर है। ओवरऑल व्यू मैंने दोबारा भी आपको घूम के दे दिया, तो इंशाल्लाह वीडियो को क्लोज करते हैं, देखते हैं कि क्या अभी इस पर क्यों दिल रुक रहा है बार बार। तो ये था एक रफ़ीक एंड सन्स कैटल फार्म का विज़िट, जानवर आपको दिखाए हैं और बछड़े की प्राइस रेंज आपको बताई है, वेट रेंज बताई है। तो किसी को भी लेने हो तो भाई आप आ सकते हो, विज़िट कर सकते हो और बछड़े आप ले सकते हो। बछड़े माशाल्लाह अच्छे खड़े हैं, हर किस्म का वैरायटी खड़ी हुई है, छोटे बड़े हैं, लेकिन मीडियम रेंज वो 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख 4.5 लाख रुपये तक की भी है इस रेंज के बछड़े, लेकिन प्रिंट वाले बछड़े, प्रिंट वाले। आप आके देखें, इंशाल्लाह जानवर आपको समझ आए तो आप लें, आप आने पर डिपेंड है, जानवर समझ आने पर डिपेंड है। और कोई भी शौकीन अपने फार्म की वीडियो बनवाना चाहता हो मुल्तान में, फ़िलहाल शौकीन जो एक जानवर पाल रहा हो या 2 जानवर पाल रहा हो, तो ज़रूर रابطہ करें, इंशाल्लाह ज़रूर हम विज़िट करेंगे और उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं घर और इंशाल्लाह किसी और फार्म में मुलाकात करते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।